हेलो दोस्तों, आप सभी ने श्रापित वस्तुओं के विषय में तो सुना ही होगा। ये वो वस्तुएं हैं जो आपके घर में अगर एक बार आ गया तो आपका घर घर नहीं नर्क बन जाता है। ये आपके घर में खराब किस्मत अनहोनी जैसे चीज़ों को निमंत्रण देता है। तो आज का वीडियो ऐसे ही कुछ श्रापित वस्तुओं के विषय में है जिसके चलते बहुत सारे परिवार तबाह हो गए और बहुत लोगों ने अपना जान गंवाया। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं पासंग भुटिया आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का चैनल ऑलराउंड ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दुनिया के सबसे श्रापित वस्तुएं। हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा अगला श्रापित वस्तु है बसानो वैस। बसानो घड़ा को 15 शताब्दी में एक इटालियन औरत ने उसकी शादी के दिन चांदी को तराश के बनाया था, लेकिन बदकिस्मती का बात यह है कि उस औरत का उसी दिन किसी ने हत्या कर दी। उसके बाद यह घड़ा उसके फैमिली को सौंपा गया था, लेकिन यह घड़ा अजीब था। इसका परछाई किसी घर पे पड़ते ही उस घर पे मौत का सिलसिला शुरू हो जाता था। पीढ़ी घर पीढ़ी यह घड़ा उसके परिवार का जान लेने लगा था, तो घर के मालिक ने घड़ा को अपने घर से दूर कहीं छुपा दिया था। लेकिन बदकिस्मती से 1988 में यह घड़ा फिर पाया गया और घड़ा के साथ एक चेतावनी भी लिखा हुआ था, खबरदार यह घड़ा मौत लाती है। इसके बाद फिर मौत का सिलसिला शुरू हो गया। इस घड़े को इसके नया मालिक ने बहुत सारे म्यूजियम में देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी म्यूजियम वाले इस घड़े को म्यूजियम में रखना नहीं चाहते था। अभी ये घड़ा कहाँ है किसी को पता नहीं, ये रहस्य बन के रह गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसको दूर कहीं ऐसे जगह दफनाया गया है जहाँ इसे कोई नहीं ढूंढ सके, और अगर ढूंढ भी लिया तो क्या होगा, एक बार सोचिएगा जरूर। हेलो दोस्तों, तो अगला हमारा श्रापित वस्तु है द माओरी वॉरियर मास्क। माना जाता है कि माओरी वॉरियर मास्क न्यूजीलैंड की माओरी संप्रदाय के लड़ाकू सिपाहियों द्वारा युद्ध के समय में पहना जाता था, और दावा यह भी किया गया है कि एक सिपाही जो युद्ध में मरा था उसका आत्मा इस मुखौटे में रह गया था। ये मुखौटे आमतौर पर लड़कों को हानि नहीं पहुँचाता है, लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको इस मुखौटे से दूर ही रहना अच्छा है, उसको बच्चा पैदा करने में दिक्कतें आ सकती है। इसलिए जिस म्यूजियम में इस मुखौटे को रखा गया है वहाँ साफ साफ चेतावनी लिखा गया है कि अगर आप गर्भवती है या आप बच्चे का ख्वाहिश रख रहे हैं तो इस मुखौटे से दूरी बनाएं। तो अगला जो श्रापित वस्तु है वो है द हैंड रेसिस्टिंग पेंटिंग। ये पेंटिंग चित्रकार बिल स्टोनहैम ने सन 1972 में बनाया था। आप अगर ध्यान से उस पेंटिंग को देखेंगे तो आपको बहुत सारे हाथ उस लड़के और डॉल के पीछे दिखाई देगा। उसी हाथों की वजह से इस पेंटिंग का नाम द हैंड रेसिस्टिंग पेंटिंग पड़ा था। ये पेंटिंग विश्व का सबसे भूतिया पेंटिंग भी माना जाता है। ये पेंटिंग जिसने भी खरीदा उनको उस पेंटिंग का पहला मालिक पॉजिटिव वार्निंग के साथ इस पेंटिंग को बेचते थे। पेंटिंग के मालिकों के मुताबिक जब रात होता था तब इस पेंटिंग का चित्र हलचल करने लगता था। कभी कभी पेंटिंग का लड़का पेंटिंग से गायब ही हो जाता था और वास्तविकता में उस पेंटिंग वाले कमरे में दिखाई पड़ता था। पेंटिंग का रियल क्रिएटर बिल स्टोनहैम के मुताबिक पेंटिंग में जो डॉल है वो एक गाइड है जो उस लड़के को दूसरी दुनिया में लेके जाता है, और जो वो दरवाज़ा है वो इस दुनिया और दूसरी दुनिया का आने जाने का मार्ग है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये पेंटिंग जिसने भी खरीदा उनको बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ा था और कहीं ने तो अपना जान से हाथ धोया था। हेलो दोस्तों, तो आज का सबसे पहला वीडियो है मार्टल मिरर। मार्टल प्लांटेशन को दुनिया का सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है।
लेकिन जो चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा डरावना है वो है मार्टल आईना। मार्टल आईना को उस घर में सन 1980 में लाया गया था। कहानी के मुताबिक इस आईने में सैरा वुड्रूफ और उसकी बच्चियों का आत्मा कैद है, जिन्हें उन्हीं के नौकर ने पॉइजन देकर उन्हीं के घर पे मार डाला था। हमारे पारंपरिक तरीकों के मुताबिक जब भी कोई घर पे मरता है तो हम लोग घर के शीशे आईने को ढक देते हैं, लेकिन बेचारा क्लर्क जो कि सैरा वुड्रूफ का पति था उसने घर का एक आईना को ढकना भूल गया। कहा जाता है कि इसीलिए सैरा वुड्रूफ और उसकी बच्चियों का आत्मा हमेशा के लिए उस आईने में कैद हो गया। उनके बाद जो कोई भी उस घर में रहने के लिए आए उनका दावा है कि उन्होंने इस आईने में कभी कभी सैरा वुड्रूफ को देखा और कभी कभी कुछ बच्चों का परछाई उनकी तरफ बढ़ते हुए देखा गया। और कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर ने उस घर का इन्वेस्टिगेशन किया तब उनको एक ऐसा सबूत मिला जो सबको ये विश्वास करने पर मजबूर किया कि सच में इस आईने में आत्मा कैद है। एक बच्ची का धुंधला स्वरूप उस आईने में कैमरा द्वारा कैद कर लिया गया था और वो फोटो जो है मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। थैंक यू। My name is Kayleanne Russell. The purpose of today's experiment is to prove that the object behind me is responsible for at least 45 deaths in the 4 centuries of its recorded existence. Oh my god, wow. So it's large. It's a bit ostentatious though, don't you think? हेलो दोस्तों, तो हमारा अगला जो श्रापित वस्तु है उसका नाम है द चेयर ऑफ डेथ, बस्पी स्टूप चेयर। कहा जाता है कि इस चेयर में एक खूनी कैदी थॉमस बस्पी का श्राप है, क्योंकि उसने मरने से पहले अपना आखिरी ख्वाहिश एक लोकल पब में अपना मनपसंद खाना खाने की बात रखा था। और जैसे ही उसने वहां अपना खाना ख़त्म किया तब उसने उठ के सबके सामने ये कहा, जो कोई भी इस चेयर में बैठेगा उसका अकाल मौत हो जाएगा। तब से आज तक लगभग 63 आदमियों का उस चेयर पे बैठने से मौत हो गया, और मौत भी बहुत ही अजीबोगरीब ढंग से होता था। किसी किसी का उस चेयर पे बैठने से ही मौत हो जाता था तो किसी किसी का एक या दो दिन के बाद मौत हो जाता था। तो इसीलिए इस ये चेयर बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में आ गया था और चेयर को वहाँ से हटाया गया और म्यूजियम में रखने का रिक्वेस्ट भी किया गया, लेकिन बहुत सारे म्यूजियम ने इसको रखने से इनकार किया। तो आखिर में एक म्यूजियम ने इसको रखने का जिम्मा लिया और उस म्यूजियम में इस चेयर को अभी भी दीवार में लटका के रखा गया है और पॉजिटिवली वहाँ पे वार्निंग भी दिया गया है कि कोई भी इस पे गलती से भी ना बैठे, क्योंकि इस पे बैठने से मौत आती है। हेलो दोस्तों, तो हमारा अगला श्रापित वस्तु है द एनाबेल डॉल। तो आप सभी को ज्ञात नहीं होगा लेकिन मैं बता दूं, शैतानी रूह जो है उसको पृथ्वी में आने के लिए किसी का मार्क का ज़रूरत होता है और यह एनाबेल डॉल वही मार्क था। यह एनाबेल डॉल पहले किसी को वश में करने से पहले उसे उसके घर में रहने का परमिशन मांगता था, और अगर गलती से भी उसने उसको परमिशन दे दिया तो वो हमेशा के लिए उनके साथ रह जाता था। और उनके साथ रहने के साथ साथ वो उनके ज़िंदगी को नर्क बना देता था। ज़्यादातर घरों में हलचल होना, दरवाजे का अपने आप बंद होना या किसी के हंस के दरवाजे के पास से भाग जाना, ये सारे हरकतें उस एनाबेल डॉल के घर पे होने से होता था। और उससे परेशान होके जो पोजेस्ड आदमी था उसने पासी के डेमोनोलॉजिस्टों को अपने घर पे झाड़फूंक के लिए बुलाया था। और उस समय उस जगह में बहुत ही फेमस डेमोनोलॉजिस्ट रहते थे, उनका नाम था एट और लॉरेन। माना जाता है लॉरेन को डिवाइन गिफ्ट था कि वो बुरी चीज़ों को फील कर सकता था और उसे देख भी सकता था,
और उन लोगों के झाड़फूंक के वजह से उन्होंने एनाबेल डॉल को वहाँ से हटाया और अभी एनाबेल डॉल उनके ही घर पे उनका एक छोटा म्यूज़ियम में रखा गया है। और उस म्यूज़ियम में उस एनाबेल डॉल जहाँ रखा गया है उसके बाहर एक पॉजिटिव वार्निंग भी दिया गया है कि इसको मत खोलिए, ये आपको मार डालेगा। तो ये थी दुनिया के कुछ श्रापित वस्तुएं। अगर आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों जानने का इच्छा रहता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार ऐसे वीडियो डालता ही रहता हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और हाँ, लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई चैनल ऑलराउंड ज्ञान। Thank you so much.